इस्लामाबाद में 21 दिसंबर को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अस्त व्यस्त करने के लिए आंसू गैस छोड़ी और पानी की बौछारें करना शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रवेश करते ही पुलिस ने विपक्षी नेता मेहरंग बलूच सहित 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बलूचिस्तानियों ने जो विरोध प्रदर्शन किया उसके बारे में। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन किया और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही। हाल ही में कुछ दिन पहले बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपना तेज कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बलूचिस्तान के रहने वाले मौला भक्स नाम के युवक की हत्या बताई जा रही है, जो 23 साल का है, जिसे 20 नवंबर को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया था और 23 नवंबर को उसे शूटआउट में मार दिया गया। जैसे ही बलूचिस्तान के लोगों को इस बारे में पता चला, वैसे ही वो लोग आग बबूला हो गए और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बता दें, ये विरोध प्रदर्शन बलूचिस्तान की महिला मेहरंग बलूच के नेतृत्व में किया जा रहा है। मेहरंग बलूच पाकिस्तान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जो बलूचिस्तान में अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से गायब किए जाने और बिना किसी न्यायिक अथवा कानूनी कार्यवाही के किसी व्यक्ति की हत्या करने से जैसे उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रही है। मेहरंग बलूच ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वहां के लोग बलूचिस्तान प्रांत में पुरुषों को कथित तौर पर जबरन गायब कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने विरोध प्रदर्शन के बाद इस्लामाबाद में घेराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक करीब 1600 किलोमीटर लंबा एक मार्च निकाला। 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में पुलिस ने बलूचिस्तान के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया और हेडगियर पहनकर उन्हें रेड जोन में जाने से प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। बता दें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है, जहां पुरुषों को जबरन गायब किए जाने का आरोप खुफिया सेवाओं पर लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के आरोप बलूचिस्तान पर दशकों से लगाए जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध 2000 के दशक की शुरुआत में हुए बलूचिस्तान राष्ट्रवादी आंदोलन से है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस वक्त बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, वो एक अलग देश बनने जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान सेना के मन में कुछ और ही चल रहा था और पाकिस्तानी सेना के इरादे कुछ और ही थे। इस दौरान सेना ने बलूचिस्तान पर हमला करते हुए वहां पर कब्जा कर लिया और तब से ही बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बनाने के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।